सरकार एक तरफ मूलभूत सुविधाओं की बात कह रही है, अंतःगर्मीय जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ग्राम पंचायत भैंस गांव के आश्रित ग्राम किसको अनाड में ग्रामीण झरिया का पानी पीने को आज भी मजबूर हैं। ग्रामीणों ने बताया कि हमारी समस्याओं को लगातार अनसुना किया जाता आ रहा है और सांसद विधायक से लेकर शासन प्रशासन को भी गांव की समस्याओं से अवगत कराने के बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। हमारे गांव में पानी के तकलीफ हवाए, बिजली लाइट के सबके तकलीफ हवाए, लेकर मन लेखन छोटे छोटे लेकर बच्चा झरिया खनखान से सब पानी पीछन हमारे गांव में खुद परेशान हवाए। वहाँ कलेक्टर साहब ने बोला तुम लोग को समस्या का निराकरण जल्दी कर दूंगा, ऐसे बोला है कलेक्टर साहब ने। अभी तक कोई अधिकारी देखने आया क्या हुआ? अभी अधिकारी साहब लोग कोई नहीं देखने आए हैं। आपकी तरफ से क्या पहल रहेगी? जी हमारे जनपद पंचायत अंतर्गत से जो भी वहाँ फंड है, जो वहाँ से हम पंचायत को दे रहे हैं, उस फंड से जो भी रहेगा तो मैं फुल प्रयास करूँगा कि हमारे कोरोना संक्रमण